नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। गुरदासपुर के गांव डडवा में गांव के सरपंच के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ही गांव के नौजवान रोका मसीही का पीट पीट कर कत्ल कर दिया और इस मामले में पुलिस के द्वारा सरपंच लवप्रीत समेत 5 लोगों को नामजद करते हुए धारा 102 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पारिवारिक सदस्यों को आरोप है कि इस कत्ल में पुलिस के कर्मचारी भी शामिल है, जिनके द्वारा मरने से पहले जख्मी हालात में नौजवान की डंडों से पिटाई की गई। वहीं कल इस मामले को लेकर मृतक के पारिवारिक सदस्य और गांव के लोगों ने कस्बा धारीवाल के नज़दीक मृतक के शव को गुरदासपुर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर रख कर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन और आरोपियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और फरार आरोपियों को पकड़ा जाए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी धरना खत्म करवाने में नाकामयाब रहे और देर रात तक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी रहा। ये जी साडे नौजवान एक रोका मसीहा 27 साल की उम्र आ और उन्हें पुलिस ने और मौजूदा सरपंच सीगे जेडे पिंड डडवा दे उन्होंने उस बच्चे दे उत्ते गुंडागर्दी करके उसदियां पहले लत्तां तोड़ियां फिर उहदा सिर पाड़िया और सिर पाड़न तो बाद पुलिस उसनू बजाए ट्रीटमेंट कराउंदे। पुलिस वाले ने भी जो पिंड वाले ने दसण दे मुताबक आ कि उहदे सिर च डंडे मारे ने और बाद च जदों दम तोड़दा तो फिर उहनू हस्पताल लै गए ने। तो ये जिहड़ी आ साडे नाल बड़ा वड्डा धक्का कीता गया साडे भाईचारे नाल। इस झगड़े की वजह की है? ये झगड़े की वजह जी कोई इन्हां दी पुरानी लगतबाजी सीगी, पहला भी इन्हें झगड़े झुगड़े एक दूजे के परचे हुए थे और उस लागतबाजी को लैके सरपंच ने जी किड कढ़ी है और बंदे जरा मौत के घाट उतार दिता। पुलिस ने जी सरपंच मौजूदा कोई लाभ आ और वो चार पांच होर नौजवान सके उन्होंने सारे के खिलाफ 302 का परचा दर्ज कर दिता। पर साड़ी मांग आ कि जेडे मुलाजम उस मौके पर गए थे उन्होंने भी परचा दर्ज किया जाए जिन्होंने अणगहली के कारण ये नौजवान की जान गई। अरैसट हुई किसी की? अजे कोई अरैसट नहीं है जी, असं उस करके डेड बॉडी लैके इतने बैठे हाँ कि जेडे मुजरम ने अरैसट होणगे तो आप इतों जावे, अदरवाइज आप डेड बॉडी लैके नहीं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर मृतक के पारिवारिक सदस्य और कस्बे के लोगों का कहना है कि बेरहमी के साथ रोका मसीह को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था और इस कत्ल में पुलिस के कर्मचारी और आरोपियों का साथ देते हुए दिखाई दिए थे। पहले भी सरपंच की रोका मसीह से रंजिश चल रही थी, उसी रंजिश के तहत रोका मसीह का कत्ल कर दिया गया और अब जब पुलिस केस में नामजद आरोपियों को नहीं पकड़ती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने मांग की कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने जख्मी हालत में रोका मसीह की डंडों से पिटाई की उन पर भी केस दर्ज किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। मैं बेनती करनी चाहना कि काली कत्ल नहीं होया, आ थोड़े समय दे विच दो कोर्ट विच कत्ल हुए ने, तीन कत्ल लाइव टैली तुसीं देखिया होना कि धारीवाल विच हो के वो हुए ने, एक कत्ल कल्याणपुर होया, एक बहुत साडा मुंडा जुझारू सी वर्कर सी साडा उहते हमला होया धारीवाल नहर ते होया उहनू वड्या गया, अज जिहड़ा ये जिहड़ा पुलिस की शह ते अज ये कतल होया। कहन तो भाव भी ये SHO दा धारीवाल दा SHO आ, ये बाजवे नू बाजवे की वर्करी कर दिया MLA वर्ग बाजवे और सरोपे पाउण करन उहदे नाल बंदे तोरन करन ये कतल करवा रहा। अज तो 6 महीने पहला मैं इत्थे धारीवाल नहर ते बोलिया सी कि जिदा के SHO के कारनामे है इतने धारीवाल के कतल कराऊगा वो सामने आ गया तो अज भी इतने जरा वा परचा दर्ज ना होया सस्पेंड ना किया गया तो अज भी समझो इस तो बाद फिर कतल होने की तैयारी है। ये SHO जरा वा ये सब तो बुरा जरा साढ़े इतने SHO आ यदि सह तो सारा कुछ हो रहा ये इतने प्रशासन नहीं चला रहा जो कतल हो रहा उस समय यह उस सरपंच की गड्डी बैठा तो अपनी गड्डी पुलिस की गड्डी में इस मुंडे चुक के लिया के थाने कुट कुट के कतल कर रहा। मैं जी मेरी ये तुसी डिबेटा देख लो, मैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीतियां इतने मैं सरेआम कह रहा भी SHO ने धारीवाल के कतल कराने ने अच्छे तुहाडे सामने कतल हो रहे और जिन्ना चिर तक इतने परचा नहीं दर्ज हुंदा इन्हू सस्पेंड नहीं किया जाता उन्ना चिर सरपंच दे नाल ना पहला लड़ाई हुई तो बाद इन्होंने होर कहे लड़ाई करा के ना तो भी मेरे बच्चे से परचा दर्ज कराता। बच्चे का नाम रोका की हो रोका हाँ यो गल दसनी है ना तुम मैं तो फिर उन्होंने जो ना परचा दर्ज कराता तो इन पुलिस फड़ने आती रही है तो मैं वैसे गांह फसाह कर छड़िया भी 2-3 महीने है नहीं घर नहीं रहा
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਤ ਸਰਪੰਚੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।